शेरू लग रही हूँ, शेरू। करते हम स्वाद अनुसार पकाते हैं खाना, ये रूल्स फॉलो नहीं कर दिए। फैंसी तो तुम खुद ही हो। ये मेरी खूबसूरत दीदी बना रही है। तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज, कल ही लगता है। देखो लोग मेरे एग्जाम में दूसरे को लाइन मार रहे हैं। बिरयानी बन गई है और रायता भी बन गया है। ये खीरे का रायता है जो हमें बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें है लजीज। तो पंगड़ा पाऊंगी नहीं, उसके बाद बिरयानी वो सिर्फ। बाप रे, अब हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। हाँ, पचाने के लिए कुछ चाहिए भी तो। यार। खाली, बिल्कुल खाली हो गया। रोमी, हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं दोस्तों ब्लू माउंटेन, ये देखने कि वो कितना ब्लू है। अगर वो ब्लू ना हुआ तो हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर हम उसको लाल लाल कर देंगे। सफेद हुआ तो ब्लू माउंटेन, सफेद हुआ तो भी लाल लाल कर देंगे। ज्यादा लाल बैठेगा ना। क्या आपने पान खाया जो आप लाल कर देंगी? हमारे पास असली कलकत्ते का पान है। कलकत्ते का पान? हाँ, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ही अच्छी बात है जो आपके पास कलकत्ते का पान है और उससे आप लाल लाल कर देंगी। हाँ, चलिए तो फिर देखते हैं कि रोमी जी ब्लू माउंटेन को लाल लाल कर पाती भी है या नहीं। तो ये देखने के लिए बने रही है, बिफोर एंड आफ्टर शॉट भेजेंगे। ये देखने के लिए बने रही है हमारे साथ और देखिए कि ब्लू माउंटेन लाल होता है कि नहीं। लाल नहीं होगा तो आप सफेद तो कर ही देंगे, है ना? यस। बर्गर खाएंगे और जाएंगे ब्लू माउंटेन को लाल करने। हाँ, और ब्लू बर्गर जाएंगे। बाप रे, यहाँ पे गाड़ियों की हालत देखो यार, ये कार को देखो कितनी गंदी हालत हुई है। जीप है, जीप की हालत देखो। आगे से मुझे लग रहा है ठीक है इसी गाड़ी, बस पीछे से अरे वो किसी को अच्छा नहीं लगता था। कीवी स्मूदी मैंने भी नहीं कभी ट्राई किया, मैंने सिर्फ यहाँ का ये मैंगो पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी बनाना किया है ट्राई। ओके, मे बी आपकी तो आपको भी नहीं अच्छा लगता। अभी हम लोग है मैटी पे और बर्गर, हम लोग बर्गर खाएंगे और जाएंगे। अभी यहाँ से खाने पीने के लिए कुछ ले लेते हैं और रास्ते में खाते पीते चलते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मिश्का कहाँ है, मिश्का क्यों नहीं दिख रही है, पीछे कार सीट खाली थी। तो मिश्का गई हुई है स्कूल और आज टेम्परेचर बहुत ही खतरनाक वाला था, लाइक -22 और फील्स लाइक -25-26 जा रहा था। गंदे वेदर में मिश्का को ले जाना मतलब कि उसकी तबीयत खराब करना था। कार में बैठते टाइम पूरा सब कुछ निकाल देती है, सारा जो उसका स्नो जैकेट एंड पैंट्स ये सब रहता है ना, सब उतार देती है। वो नॉर्मल कपड़ों में रहती है तो बहुत ही ठंड लगती है कार में तो, और बार बार उतरना है बैठना है तो दिक्कत ही होती है उसको, और चलने में भी दिक्कत होती है इतने स्नो में। स्कूल में आराम से रहेगी और जब हम जाएंगे तो ले लेंगे, क्योंकि ब्लू माउंटेन हमारे घर से बहुत ही पास में है तो हम आराम से मतलब ले सकते हैं उसको छुट्टी के टाइम। तो ये भी सही था, इसलिए लगा कि चलो घुमा देते हैं रोमी को। और ब्लू माउंटेन में बहुत सारी विंटर एक्टिविटीज़ होती है, लाइक स्नो ट्यूबिंग, स्कीइंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम लोग शायद आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मौसम देख के लग रहा है बहुत ही ख़तरनाक वाली ठंड है, तो पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। और हर जगह तो लाइन ही होती है तो हमें एक टाइम से वापस भी आना है आज, तो ये सब शायद ही हो पाए, बट देखते हैं। ब्लू माउंटेन तो फेमस ही इन्हीं सब चीज़ों के लिए है और लोग जाते भी हैं, बट मेरे को तो ऐसे भी अच्छा लगता है, लाइक रास्ता इतना सुंदर लगता है और वो जगह भी सुंदर लगती है, तो थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और ट्राई करेंगे अगर लाइन वाइन कम होगी तो ट्यूबिंग वगैरह, स्नो ट्यूबिंग वगैरह करेंगे। देखते आगे क्या होता है प्लान। फाइनली हम लोग आ ही गए ब्लू माउंटेन ना, स्नो माउंटेन। इतना स्नो हो रहा है, लग रहा है मेरे मुंह से निकल रहा है स्नो माउंटेन। नहीं, ये व्हाइट माउंटेन।
माउंटेन। अरे यार वहीं से था। चलो फाइनली हम लोग आ गए। हम लोग गर्मी से आ रहे हैं यहाँ पे। रात में समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। पूरा पैक होके अच्छे से। शेरू लग रही हूँ, शेरू। दिखा देता हूँ। आपका हाथ जम जाएगा, जल्दी कैमरा बंद कर दीजिए। ये देखिए, ऐसा काम आप सिर्फ कनाडा में कर सकते हैं, ग्लव्स पहन के और हाथ से इतना। अभी अभी जाएंगे, लोगों में होता है। अभी ये लोग उधर जाएंगे उस पे। जाएंगे और वहां से फ्री फॉलो। देखना गिर मत जाना। थोड़ा आग से सेक लीजिए। दर्द हो रहा होगा? दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा है। माइनस 18-19 होगा ये। फील्स लाइक 19 तो वेरी था यार। 25 के आसपास ज्यादा है, है ना? नॉर्थ हो गया ना पानी के पास। हाँ तो कितना होगा यहाँ पे टेम्परेचर? देखते हैं। अरे बाद में देख लेंगे, फिर भी ऑलमोस्ट -25 आए होंगे। तो बता दे आपको गाड़ी वाला घर से कचरा चल चल, अरे छोड़ो मुझे, बैठ जाए थोड़ा जरा। बैठ जाए तो बैठ जाए। कोई आ रही है, बंद नहीं हो रहा है। वो करने जा रहा हूँ, जाओ ऊपर जाऊंगा, फिर खेलेगा मुझे। फिर ढगलाते ढगलाते आते हैं। कितना दर्द होगा ना, सारे कचड़े भी हुआ है यहाँ। आप कर रहे हैं? हाँ क्यों कर रहे हैं? बाप रे, छोटे छोटे बच्चे हैं यार ये तो। शर्म आ रही है अपने ऊपर। हाँ बहुत बुरा लगता है। गर्मी में जाते हैं, पानी में तैर नहीं पाते हैं, ठंडी में ये नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही जाते हैं। हम क्या ही स्नो ट्यूबिंग करेंगे, क्योंकि 15 मिनट में तो हमारी हालत खराब हो गई थी और हम टिम हॉर्टन्स आ गए थे। कॉफी टाइम। चाय पी रहे हैं क्या आप? तब कॉफी तो चाय होता है, चाय वाला फील लेते हैं। इंडियंस की आप कौन सा पी रहे हैं? आप चाय पी रहे हैं? हाँ
कॉफी डबल 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 शुगर डबल क्रीम। अच्छा मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा फेवरेट है। अच्छा वो वनीला नहीं पसंद है, मतलब हर चीज में नहीं पसंद है, आइसक्रीम में पसंद है जो कम जिसमें इसमें कम आ रहा है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वनीला फ्लेवर आता है ना, वो मतलब कि ऐसे मन भर जाता है, इसमें थोड़ा कम आ रहा है हल्का। बहुत हो गया आज का ज्ञान, बस अब आप नज़ारे देखिए। मीठा ये इसमें बहुत कम आ रहा है, ऐसा आदमी जिन बोले कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है तो बोले कि हाँ इसको तो पसंद नहीं है, तो सामने वाले बोले कि दे दो मेरा वापस। धुआं निकालिए रोमी, धड़क 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 धुआं उड़ाए। सही है लड़की, देखो बिगड़ गई है, इधर आओ इधर आओ। यहाँ पे शुरू हो गया था हमारा फ्रॉस्ट बाइट होना, मेरी तो मतलब ऐसा लग रहा था सुन्न हो गई है, पैरों की उंगलियां एकदम लग रहा था स्वेलिंग हो रही है। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पे फोटो वोटो खींचा, फिर थोड़ा सा आग के पास गए और फिर हमने कहा कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा, अब चलो घर वापस। तो इतना देर में हम लोग टिक गए, बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों के पास प्रॉपर मतलब वो नहीं था सारे स्नो बूट्स वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर इतने ठंड में तो हम लोग जाते नहीं हैं, और वो काम भी नहीं कर रहा था, मतलब हमारे पास था -10 तक चला जाता आराम से, लेकिन यहाँ पे -25 ऐसा था, तो फिर वो नहीं जा पा रहा था। तो हमें लगा कि यार बहुत गलत डिसीजन हो गया, हमें नहीं आना चाहिए था आज, बट एक हो गया कि चलो थोड़ा बहुत तो देख लिया ना, रोमी ने भी घूम लिया तो हमारा हो गया, और हमें भी तब विंटर में जाना था तो ये भी हो गया। हम कब से सोच ही रहते और जा भी नहीं पाते, तो एक कोई साथ में रहता तो आराम से हो जाता। और तो अभी हम लोग आ चुके अपने घर के पास, और यहीं से हम लेंगे मिश्का को और फिर चल चलेंगे घर। तो फिर हमने सोचा कि ऐसे कार में बैठे बैठे इधर थोड़ा घूमते घामते चल चलते हैं घर, क्योंकि घर तो बगल में ही था स्कूल के, बट हम लोग थोड़ा सा इधर आ गए। यहाँ पे यहाँ वाला कैसे जाएं यार, यहाँ पे कार नहीं खड़ी हो सकती, अलाउड नहीं है यहाँ पे, पुलिस पकड़ लेगी। मैं और तुम जाएंगे इसका डोलरमा, इन लोगों को काम नहीं है डोलरमा में कुछ, एक उधर से आएंगे नीचे से, वहां से ना आगे से राइट लेके यहाँ से हम लोग गए थे, रोमी यहाँ से उतर के गए थे हम लोग। ये वाला पार्क है हेरिटेज, वो देखो वो ईगल आई वाला क्या था वो स्पिरिट कैचर, ये वाला पार्क है हेरिटेज पार्क, अच्छा बीच की तरफ जाएंगे। आई लव बैरी, वाह कितना अच्छा लग रहा है यार, ये बैरी 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 बैरी, ये है स्पिरिट कैचर, ये वो जो देखी वो ड्रैगन था, ये स्पिरिट कैचर देखते ना भूत पे चार के चरा है। बिल्डिंग तो मुझे यहाँ की द्वारका वाली बिल्डिंग लग रही है। लग रही है ना दीदी, देखो ये वाली कौन सी वाली, पीछे वाली ये वाली, हाँ द्वारका वाली बिल्डिंग लग रही है। बीच वाला
पार्क मिस्का, अभी तो बर्फ बंद है कैसे, समर में मैं और मिस्का आएंगे यहाँ पे डेली। ये है यहाँ की ट्रेन, चलेंगे क्या हम लोग किसी दिन? हाँ टोरंटो जाएंगे तो सोचे कि ट्रेन में बैठ के कल। क्यों आप ऐसे नाच रहे हैं? क्या खुशी है, खाना रोज नहीं मिलता है क्या आपको? बिरयानी बन रहा है, बिरयानी बन रहा है आज, बिरयानी खाने वाला हूँ मैं। हाथ के नहीं मुर्गे का बिरयानी है। What a joke। हाथ के बात करता हूँ वैसे, हाथ का बिरयानी है तो मुझे थंब वाला पीस चाहिए। थंब वाला ठेंगा मिलेगा तुमको, ठेंगा रोमिंग ठेंगा चलेगा, मेरे को चलेगा कोई नहीं। रोमी यहाँ पे चॉपिंग में लगी हुई है, हमारे पास एकदम बढ़िया शेफ, कौन सा सू शेफ है? हमारे पास सू शेफ है, अब मैं लाइन कुक हूँ। ओह वाव, चलो तो हम लोग तैयारी करते हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया है, यहाँ पे मैरिनेट कर दिया है चिकन को, तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा डीप रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको मैरिनेट करके रख दिया था फ्रीजर में, तो अब इसको कर रहे हैं। और ये जो हमारी बेकिंग ट्रेज है ये तैयार है, मैं थोड़ा सा बेक करके बनाती हूँ बिरयानी को, थोड़ा बेक किया हुआ पीस ज्यादा अच्छा लगता है ना, अलग अलग करते हैं ना, तो जो खाते हैं तो जो बेक वाला आता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्रिस्पीनेस रहता है उसमें, पूरा अच्छे से पका भी रहता है। तो जब ऑप्शन आसान भी है तो क्यों ना वही किया जाए। बिल्कुल सर जी, स्वादानुसार हम रूल्स करते हैं, हम स्वाद अनुसार पकाते हैं खाना। ये रूल्स फॉलो नहीं करती है, स्वाद अनुसार पकाती है खाना और स्वाद अनुसार लोगों को भी पकाती है, लोगों को हमारे स्वाद के हिसाब से खाना। सवा सात हो रहा है, 7:12 हो रहा है अभी, और हम लोग ब्लू माउंटेन से घूम के आ चुके हैं और इतनी हिम्मत हमें बची है कि अभी हम लोग बिरयानी बनाने जा रहे हैं, है ना, बड़ी बात है। हिम्मत मेरे में है कि मैं खाने के लिए तैयार हूँ। हम लोग बोले कि एक जगह मॉल में जाएंगे फिर बिरयानी नहीं बना पाएंगे, तो बोले नहीं नहीं कहीं नहीं जाना है, चलो चलो घर बिरयानी बने। दीदी ऐसे बोल रही थी बट हमने इनको पुश किया, पुश बिरयानी बनाने के लिए। भाई अब मेरे गले ही पड़ जाओ, चलो अब क्या करूंगी, बनाऊंगी। मैं चालाकी कर रही थी कि इन लोग को मॉल लेके चले जाऊंगी, ये लोग भूल जाएंगे कि हाँ, फिर बोलेंगे कि चलो क्या घर जाके बनाएंगे खाएंगे, बट ये लोग भी स्मार्ट निकले। अरे नहीं नहीं घर चलो, दिमाग यूज करना पड़ता है अभी, दिमाग वाली लड़की कितना चाहिए। हाँ बस ये तो इतना फ्राई करने के लिए चाहिए, ये प्याज फ्राई होगा, इस प्याज को हम लोग फ्राई करके और इसका बनाएंगे इसका उसका, और मैं ये खा के सो जाऊंगा राइट। आपको तो यही दिया जाएगा, वो तो थोड़ा सब्र करो। ये देखिए ये जो चिकन है हमारे पास, ऐसे हमने मैरिनेट किया है, और जानती है रोमी हमारे पास इतना ही और भी है, एक और चिकन है, चिकन क्या खाएंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम इसमें लगाते हैं ये कॉइल को ताकि ये ट्रे हमको रगड़ रगड़ के धोना ना पड़े। अब हमको बड़ा बर्तन चाहिए चावल उबालने के लिए, तो जो हमारे पास इंस्टेंट पॉट था उसका बर्तन बड़ा वाला। और याद है वो जो हम लोग उस दिन गए थे संजू, वहाँ बड़े बड़े थे, मतलब बिरयानी बनाने के लिए बर्तन लाना पड़ेगा हम लोगों को, अब जरूरी है। हम दोनों भी गए थे क्योंकि अभी तीन लोग हैं तो चलो हो जाएगा, लेकिन और ऐसी चीजें ज्यादा लोग रहते हैं तभी बनता भी है, बस दो लोग कौन बना के खाएगा इतना में। और जब बिरयानी बना रहे हो ना तो मन भी करता है कि ज्यादा बना के रख दो, मतलब बिरयानी कम बनी नहीं सकती है। लगता है ज्यादा खाना खाती है इसलिए ऐसे बोल रही है राइट। कितना ये कैसे खाती है, इतनी पतली है। नहीं मतलब खाते हैं तो ज्यादा खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। अच्छे से मैरिनेट हो गए ये,
क्या मैं सेब खा सकता हूँ? आप तो कुछ भी खा सकते हैं। इंस्टेंट पॉट बेसमेंट में है, तो उसका बस जो बर्तन है ना जो निकालते हैं वो बड़ा है, वो लेते हैं उसी में उबाल देंगे, जैसे पुराने वाले में करते थे। कोई और बर्तन ले लेते हैं, चेक करना पड़ेगा, बट एक ऑप्शन वो है कि उसमें हम लोग उबाल सकते हैं चावल। कढ़ाई में कर देते हैं ना, कढ़ाई में चावल बनाएंगे, ठीक है? नहीं मतलब पुरानी ना 75% या 80% तक मैक्सिमम कुक करें। नहीं उसमें अलग से कुक करेंगे, इस पे रख के कुक करेंगे। हाँ, मतलब उसमें पूरा नहीं कि इंस्टेंट पॉट में चावल बना देंगे फिर भी बनाएंगे। अच्छा जब पहले इसमें नमक नहीं मिलाते ना? नहीं डाले थे क्योंकि ये पानी फिर पानी पानी हो जाएगा ना, ये पानी पानी हो गया, जाएगा ये पानी पानी हो गया। हम कर देंगे बेक और फिर ग्रेवी बनाएंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा, उसमें बेक करने से इसको बेक होने दीजिए, फिर आप राइस खा लीजिएगा, मैं ये खा लूंगा। तो फाइनली हमने पति की सुनी और हम चावल बनाने जा रहे हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में कौन चावल बनाता है? मुझे लग रहा है अब सिर्फ यही मिलने वाला है, इसलिए मुझे दिखाया जा रहा है। देखो ये और जो ये रोमी ने फटाफट इतना अच्छा काम किया है, कितना बढ़िया प्याज काटा है रोमी ने, सारे प्याज बराबर काटे हैं, शाबाश। तो एक हफ्ते से है, एक हफ्ते से है, तुम इसका टैलेंट क्यों नहीं समझ पाई? एक हफ्ते से रोमी है, तुम इसका टैलेंट नहीं समझी क्या? क्या प्याज काटने वाला? हाँ तो सुबह 6 बजे भी सब्जी बनवा देते हैं। ज्यादा अच्छे से मौका मिला है समझने का, ज्यादा काटी है ना गई जब रोमी ने गाजीपुर में पाव भाजी बनाया था, okay, मस्त मस्त बनाया था। इसलिए मैं तुम्हारा टैलेंट समझ गई। लोगों को शक होता होगा, आप जैसे सोच रही है, लोगों को शक होता होगा तुम्हारे टैलेंट पे, बट मुझे ऐसा है मेरी पुराना खिला देता हूँ क्योंकि बस हो गया मेरा डिनर, इतना काफी है। बस वही खा लेंगे क्या? हाँ। ऐसा लग रहा सच में पक्का भूखा आदमी है। रोज वही पड़ता है सब खाने में। अच्छा जी, तभी मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा सब ठीक हो रहा है। तो सब ठीक हो रहा है, आपका मेरा खराब क्यों हो रहा है? शायद तुम मुझे कम खाना दे रही हो, अपने ज्यादा खा रही हो। खुद बनाते खा रही हो सकता है, बनाती हूँ और एक बार बैठ के खा रही हूँ। तो चखते हुए खा जाते होंगे, चखने के बहाने की खा ले चटना। हम कुछ नहीं डालते हैं, बताओ कुछ नहीं डालते हैं, देसी तरीके से बनाते हैं, फैंसी में ही बनाते हैं, हम फैंसी फैंसी नहीं बनाते हैं। फैंसी तो तुम खुद ही हो, इसीलिए तो बनाते नहीं। I'm not fancy, I'm very basic. लो मेरे एग्जाम में दूसरे को लाइन मार रहे हैं। कहाँ तक पहुँचा श्वेता? अब बस ये मसाला हम लोग डाल रहे हैं, इसमें प्याज भून चुका है, और ये मसाला गया जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च प्याज का पेस्ट है। पहले मैंने टाइमर उधर देखा ना तो मुझे लगा टाइम हो रहा है 9:47, बट फिर पता चला अच्छा एक एक मिनट कम कैसे हो रहा है। इतना टाइम थोड़े लग जाएगा, 7 बजे से बनाना शुरू किया नहीं तो पता नहीं चला ना। मसाला भून गया, ये मेरी
खूबसूरत जी बना रही है। तो ये हो गया, इसको चाहे तो आप ऐसे ही खा सकते हैं ना। तंदूरी चिकन हो गया ये। थोड़ा भी मैं मसाला वेस्ट नहीं करती, पानी में सब डाल। खा लेगी रूम से उस दिन खा लेती। आलू भी डालेंगे हम लोग अभी बिरयानी में, इसको कट करके। कलकत्ता जाके आदत हो गई मुझे। नहीं, लेकिन ये दूसरा स्टाइल का आलू डालते हैं। श्वेता मेरे लिए फिर आलू भी डालने लग गई। आलू सबको ही अच्छा लगता है, ऐसे मैं डालती हूँ। तुमको भी थोड़ा गला हुआ ही पसंद है ना? हाँ, चिकन निकल रहा, दम लगेगा ना पूरा आराम से। आलू भी हमें अच्छा लगता है तो आलू को ऐसे बेस बना देते हैं। तो आलू हमें अच्छा लगता है कि हम सबको अच्छा लगता है, मतलब आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है जब डिशेस बनाते हैं। तो फिर वो दो दो काम हो जाता है ना, सेम चीज। ऐसे चावल बर्बाद नहीं होता ना, नीचे थोड़ा सा चिपक जाता है, नहीं तो ये सब जो बिरयानी वाला बर्तन नहीं रहता उसमें नीचे चिपक जाते हैं। ये है नहीं, ये रहे आलू। आलू कच्चे। अब मुझे तो अब चिकन बिरयानी में चिकन की जरूरत नहीं होती है, ये बस मुझे आलू चाहिए। आलू बिरयानी बना दिया करेंगे हम। वही तो बोलते हैं यार। अरे यार ऐसा रो दिया आपके, अब क्या। अरे मतलब रो दिए कि मतलब कि मतलब मुझे बिरयानी दे दो, उसमें चिकन की जरूरत नहीं है। कि चिकन कम खाएंगे तो लाएंगे क्यों भाई उसको रोज चिकन। खाते नहीं हम लोगों को पसंद नहीं है इतना डेली डेली वाला। हमारे यहाँ पहले से ही बचपन से हम लोगों का चिकन कभी कभी वाला होता है। मोस्टली बनारस और गाजीपुर में सब्जी तो इतनी मिल जाती है कि मोस्टली गाजीपुर और बनारस, मतलब हम लोग के साइड ऐसा ही होता है कि मतलब लोग रोज, बहुत कम लोग होते हैं वैसे कि जो डेली नॉन वेज खाते हैं। कितनी सब्जियां हमारे यहाँ, इतना टेस्टी वेज खाना बनता है कि क्या ही बना है, उतना टेस्टी तो नॉन वेज कभी लग नहीं सकता। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी धनिया और घी, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा। खोपचे में हमने डाल दिया इसको, और अब हम डालेंगे इसमें अपना राइस। Thank you.
और बिरयानी बन गई है और रायता भी बन गया है। तो रायता भी ऑलमोस्ट, कौन सा रायता है ये? ये खीरे का रायता है जो हमें बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें है, इसमें बिरयानी है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया था जो उसने डाल के कर दिया इसको। ये सब हो जाएगा, अभी मैं खोलती हूँ इसको, देखो। एक बड़े से उसमें निकालना पड़ेगा हमें कैसरोल में, ये नहीं खुल पाएगा अभी, इसमें प्रेशर बनाया हुआ ना, उसको होने दो, उसको बाद में खाएंगे, पहले ये वाले का निकालते हैं। तो एक बड़ा सा कैसरोल लेते हैं और उसको पलट देते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए बिरयानी, ये है जो आलू हमने डाला था, देखो ये ऐसे आता है ना क्रिस्पी सा, तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए हम आलू डालते हैं इसमें। ये देखो हमारी बिरयानी, यहाँ पे बिरयानी रेडी है और हम वेट कर रहे हैं, अब वेट नहीं किया जा रहा है, कब से खाने के लिए इंतजार करते करते कहाँ चले गए तुम्हारे जीजा जी, हमें बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी से खाना दो। अरे ये तो गुलाबी 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 हो गई है, अरे तो भूत दिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जल रही है पिंक लाइट जो कि समझ में नहीं आ रही है बट जल रही है। तो आ जाइए भाई, हम लोग को बहुत तेज भूख लगी है, कभी से चिल्ला रहे थे कि भूख लगी, वॉशरूम में आके भाई कब से नहीं जा रहे थे, जब एकदम रेडी होके खाना आ गया है तो वॉशरूम चले गए। ये क्या मतलब है, हम लोग ज्यादा खाते हैं, हाँ वो एकदम लास्ट में क्या बन गया, अब चलो सब खाली करके आता हूँ। आउटपुट मोर आउटपुट आउटपुट टाइम ऑफ इनपुट, सो इनपुट मोर, ये देखिए आ गए तैयार होके, आगे तैयार होके, तैयार होके नहीं खाली करके, कपड़े नहीं खाली भी नहीं किए हैं, कपड़ा चेंज किए हैं, वो इनर वगैरह पहने थे ना, थर्मल वगैरह सब हटा के थर्मल्स निकालने गए थे ताकि आराम से टूट सके, वो टाइट रहता है ना, पेट बाहर निकल जाएगा। एक बात पूछो, आप लोग इसीलिए रेस्टोरेंट नहीं जाते हो क्या, बिरयानी खाने जी जा रहे थोड़े लगेंगे, पहले तो भंगड़ा पाऊंगा नहीं, उसके बाद बिरयानी बिरयानी खाएंगे और टीवी देखेंगे, टीवी नहीं बस बिग बॉस, बिग बॉस देखेंगे, बिग बॉस जो ताकि अंदर भी इंटरटेनमेंट हो और बाहर भी इंटरटेनमेंट हो, हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है समझ गए, ओके ओके। ये देखिए आईपीटीवी चालू हो गया है यहाँ पे, आईपीटीवी में सब कुछ आता है, या आज जो मेरे पति को छूट मिल गई है कि आप कैमरे के सामने कुछ भी कर सकते हो, तो ये मेरे पति की असलियत दिख रही है, आज आपकी असलियत सामने आ ही गई, कब तक बनोगे सीरियस, उनको लाइक मैं घर में करता हूँ बस। जी इस आदमी को देख के लगता है बड़ा सीरियस है, बट सीरियस नहीं है, घर में ही ऐसे रहता है, नाचते नाचते बिरयानी के ऊपर गिर जाएंगे तो इन्हीं से बनवाया जाएगा, तेरी कितनी पिटाई होगी, चप्पल धोओगे पिटाई होगी इस लाइट में, इस लाइट में देखिए आप, देखिए आप भाई जो वेज खा, जो नॉनवेज, जो नॉनवेज नहीं खाता भाई स्किप कर देना, यू आर मिसिंग, ये रोमी भी पहले नहीं खाती थी मैं,
नहीं अरे छोड़ा था बट जब पहले नहीं खाती थी, फिर स्टार्ट की कॉलेज के टाइम बुरी आदतें स्टार्ट हो ही जाती हैं कॉलेज जाके। हाँ मुझे मेरे फ्रेंड घर पे बुलाते तो मेरा चिकन खिलाते थे तो चिकन। अरे भाई बुरी आदतें, वही तो मैंने बोला बुरी आदतें स्टार्ट हो ही जाती हैं कॉलेज में स्टार्ट होती हैं। हाँ रोहन जी निकाल दूं मुझे ना, मतलब पहले सिर्फ दो पीस दीजिए और ज्यादा राइस दीजिए ना। राइस ही राइस है खाने की फोटो मिक्स तो कर ली रहती बहन पूरा रायते को। मिक्स नहीं था, हाँ थोड़ा सा मिक्स थोड़ा नहीं था, ये दोनों बच्चों ने मिलके ये देखो क्या किया है, खाली बिल्कुल खाली हो गया। मैंने तो अपना ड्यूटी पूरा किया और मेरे ड्यूटी के टाइम खाना क्या मुझे कम गया मुझसे, खाना छुपाया गया मुझसे, आपसे खाना छुपाया गया ना, यहाँ पाप हुआ है ना, छुपाया गया है, यहाँ घोर पाप हुआ है। लॉन्ग की ड्यूटी पूरी की, हम अंदर गए किचन में, या किचन में और बिरयानी पड़ी थी, और लेके खा लीजिए, मैंने तो आपको बोला ही है, मैंने तो आपको दिया भी, मैंने बताया भी कि और पड़ा हुआ है आप लोग खा सकते हैं। कब बताया गया है, जब हमने अपने बर्तन रख दिए। नहीं नहीं ये तो सरासर फुटेज में देख लीजिए, फुटेज में देख लीजिए, सरासर गलत बात है ये, फुटेज में देखिए आप, इतना सब कुछ खा के और बाप रे। अब हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, हाँ पचाने के लिए कुछ चाहिए भी तो। यार